जी मोहतरम, क्या कहना चाहते हैं? जी, अभी जो बोल रहे थे कि मुसलमान लोग सिंपैथी दिखाते हैं और कहते हैं कि राम, श्री राम वगैरह जो भी हैं, ये सब नबी थे, तो अगर नबी होंगे तो इसमें क्या परेशानी है? हो सकते नबी है हैं कि वाकई? नबी, नहीं, हो सकते की बात नहीं। आपको जो है कंफर्म बात करना है ना, आप इब्राहिम के बारे में कंफर्म हैं, आप मूसा के बारे में कंफर्म हैं, आप यूसुफ के बारे में कंफर्म हैं, दाऊद और सुलेमान के बारे में कंफर्म हैं, तो जो है राम के जी बारे में कंफर्म क्यों नहीं है भाई? क्यों क्यों नहीं, नहीं? ऑथेंटिक ऑथेंटिक जराए से मालूम क्या नहीं इब्राहिम के है। बारे में आपकी बात ऑथेंटिक है? कोई बात है? कौन अच्छा, सी ऑथेंटिक बात है जरा बताइए। मैं से पूछ लूं सच वाला सर? जी आपने जनाब, कहा हो सकते हैं, इसमें तकलीफ क्या है? मैं बता दूं सर तकलीफ क्या है। जी अच्छा, बोलिए। अब आप लोगों को बताइए और हमारी इल्म में इजाफा करिए ये बता के कि नबी कौन होते हैं? नबी क्या जो वो अल्लाह खुद? के पास हाँ पहुंचाते हाँ हैं जी, हम। स्टॉम पायलट जी आ गए हैं। स्टॉम पायलट जी जी, स्टॉम पायलट आदाब। सर, वेलकम टू द स्ट्रीम सर। आदाब सर। जी जनाब, आदाब। जी हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने बताया कि नबी वो होते हैं जो उनका मैसेज लेके आते हैं, संदेश लेके आते हैं, पैगाम लेके आते हैं, अल्लाह का, खुदा का, जो ऊपर गॉड बैठा है, राइट? जी हिंदुइज्म में नबी नहीं होते, वहाँ हिंदुइज्म में भगवान खुद चले आते हैं। अब समझ में आया प्रॉब्लम कि नबी क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वो लोग अपने हिसाब से मानते होंगे, लेकिन वो लोग भी मानते हैं कि तो उसके इसका मतलब पीछे रुके, एक मिनट, हिंदुइज्म हिंदू के हिसाब से चलेगा कि आपके हिसाब से सर? जबरदस्ती आप लोग नबी घुसा रहे यार उनके पास। अरे यार अपने क्या बात है यार। हिसाब जी, यानी से आप हिंदू हिंदुओं लोग। का जी, मतलब यह है कि वो, यानी वो लोग जो मानते हैं गलत है, आप जो मानते हैं वो सही है। नहीं, गलत क्या है, कौन है, ये तो बाद में फैसला होगा, कब कब बाद ये में तो कब? अल्लाह को मालूम है। खाना हमारे खाने के बाद, खाने से पहले? हिसाब से वो गलत है, उस हिसाब से हम गलत है, जी है भाई, ये इसका बात। फैसला कौन करेगा? कब कब करेगा? कौन करेगा, कब करेगा? फैसला तो दुनिया में मुश्किल है, या दुनिया में अगर फैसला नहीं होगा, कब होगा फिर आप फैसला? अच्छा, सब फैसला कब होगा? झगड़े सारे दुनिया में हो रहे हैं, फैसला कभी और होगा? फैसला अरे यार, तो मार अल्लाह मारी अल्लाह दुनिया में हो रही है और फैसला कब होगा? कब? अल्लाह मेरे भाई, ने जब ये बात है कहा ऐसा तो ठीक है, लोगों को लोगों के हाल पर छोड़ दो ना भाई, छोड़ती छोड़ सच वाला सर। देना चाहिए। अच्छा सच वाला सर, मैंने तो एक बार इनको समझाया, ये नहीं कहते समझे। स्टॉम पायलट सर, अगर आप इनको एक बार समझाएं कि श्री राम नबी क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए। नहीं, 1 मिनट। पहले सबसे पहले आप सब लोगों को आदाब जी, आदाब जनाब, आदाब। आदाब सर, आदाब। जी जो पैनल में या जो लोग सुन रहे हैं, अभी आप जी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस्लाम की कई किस्में हैं। एक इस्लाम वो है जो आज से 1400 साल पहले आया, जिसने जन्म लिया, और उसकी फिर हमने कारिस्तानी है जो देखी। दूसरा इस्लाम वो है जो बाद में बनाया गया, जिसमें फिका आई और उन्होंने दूसरी चीजें ऐड की। अब भी तीसरा इस्लाम ये है कि जो दुनिया के सामने ये आज के लोग पेश करते हैं, वो एक और इस्लाम है। और चौथा इस्लाम वो है जो उलमा आम मुसलमानों को भी नहीं बताते, वो सिर्फ खवास के लिए है। और आप इस टर्म से वाकिफ होंगे सच वाला जी। जी, तो ये चार किस्म के इस्लाम हैं। तो जिस तरीके से जो उन्हें मुनासिब लगता है, जो वक्त की जरूरत होती है, वो उसी को पेश करते हैं। मैं ये कहूंगा इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? हाँ, बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। इस्लाम के कई कार्ड हैं, तो जैसी सिचुएशन है, मतलब आप दूसरे लफ्जों में अगर जो है ऐसे कहें तो इस्लाम वो गिरगुट है जो वक्त के हिसाब से रंग बदलता है। जी, जी, ये बात है। अच्छा चलिए, अब हमारे भाई साहब ये फरमा रहे हैं कि राम जी की जो है उनको वो भी नबी है, वो भी नबी है कह रहे हैं। अगर वो नबी है तो, अगर वो नबी हैं तो क्या खुदा ने उनको भी मैसेज किया था? आपसे मैं नहीं, सवाल खुदा पूछ ने नहीं, रहा बल्कि अल्लाह ने कहे। आप खुदा खुदा नहीं कहेंगे आप। हूँ। चले, आप अल्लाह आपको ने कहा, कहना पड़ेगा, स्पेसिफिक कहना पड़ेगा कि अल्लाह ने कहना। जी क्या अल्लाह ने उनको भी अपना शरीयत दी थी, या उनको उनसे कांटेक्ट किया था, मैसेज दिया था और कहा था कि आप बताएं? आप जरा इस सवाल का पहले जवाब दें।
जी हो सकता है उनको हो भी सकता है, शरीयत दी। नहीं होने को कुछ भी हो सकता है, होने को जमीन फ्लैट भी हो सकती है, होने को जी तो सूरज घूम भी सकता है जमीन होने के को जो आसपास, घोड़े पे बैठ के जो है ऊपर जो है सातवें आसमान पर जाया भी जा सकता है, होने को तो सब कुछ हो होने सकता को है। तो मेरा ये घोड़ा जैसे आसमानों में भी जा सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, हिंदू हिंदुइज्म में और इस्लाम में बहुत सारी बातें मिलती जुलती है, मसलन जैसे खुदा का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का, वो जैसे लोग भी मानते हैं कि एक पावर है, हम लोग भी मानते हैं। पावर तो दूसरी वो भी बात मानते हैं, आप तो जो है जिसके घर में पावर है उन्हें भी मानता है कि पावर है। पीछे किसी का कोई ताकत है जो जी ताकत हमारी जान को लेती है, हमको दुनिया में भेजती है, वो ताकत है ना पीछे, वो लोग अरे भी भाई प्रभु ताकत किसके पास नहीं है, खुदा बैल के पास भी ताकत होती है, ताकत तो हर एक के पास है भाई, आप कौन नहीं। सी ताकत की बात कर रहे हैं। जैसे हमारी जान को लेते हैं हम, हमारे जिस्म सब कुछ ठीक रहता है लेकिन फिर भी रूह निकल जाती है, तो कहाँ जाती है, कौन लेके क्या जाते रूह हैं? किसे कहते हैं, वो रूह है क्या आखिर, क्या है रूह किसे कहते नहीं, हैं। इसी पर बात कीजिए, फिर रूह पर बात करेंगे। बिल्कुल, आप रूह क्यों, आपने किस रूह पर क्यों बात कहा, करें सर? ये तो ये साइंस तो पे आप बात आ गए, साइंस पे आप आएंगे तो फिर मैं आपसे फिर पूछूंगा ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो रूह के बारे में आप बताइए, रूह कहाँ जाती है? रूह है क्या पहले अरे आप हद बताओ है ना। भाई, रूह नहीं है ना भाई, साइंस रूह क्या, रूह में नहीं है अफजा, रूह, रूह अफजा शरबत, नहीं रूह अफजा नहीं है। वो जो फिर कल जान बोल रहे थे ना जान, तो वो जान क्या चीज है बताइए। जान रूह है, जान रूह है। तो वहां जान पर रूह हमने है। जान अच्छा कहा नफ्स के बारे अच्छा में, अच्छा तो राज नफ्स साहब और रूह आप, एक ही चीज है, आप ये कहना चाह रहे हैं नफ्स और रूह एक ही है, हाँ आप ये बताइए। कहना चाह रहे हैं। नहीं अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई, नफ्स और रूह दोनों मुतरादिफ हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मुतरादिफ पे चले गए, मैं नहीं आपने कहा कि कहता वही हूँ जान है, कह रहे हैं ना जान भाई, होती है ना एक मैंने क्यों प्राण, जान, चलिए अरे मेरे भाई मैंने रूह क्यों भी जो है छोड़िए जान जान के बारे में जो भी बात की वो छोड़िए। नफ्स को लेकर की थी, वहां रूह की बात नहीं हुई। रूह की बात हमने कल की ही नहीं, एक बार भी रूह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर रहे हैं ना मेरे भाई, कल तो हमने रूह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सर, नहीं सच किया वाला था जी, जी। आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि रूह क्या है? कुरान वाले को ये भी नहीं, कुरान वाले को भी नहीं पता कि रूह क्या है, तो आप इनसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? तो जाहिर बात है कुरान वाले को पता क्या है, कुछ भी पता नहीं है, जो क्योंकि पूछा है उनसे वो भी क्या जब पता है, पूछा गया कुरान में, तो नहीं उन्होंने पता कहा भी। कि बहुत कम लोगों का इसका इल्म है, वमा लेकिन उतीतुम मिन अल-इल्म इल्ला कलीला, जी कुरान में उसको आता है कि बहुत से, यानी बहुत से कम लोगों को इसको बारे में जानते हैं, लेकिन वो जो कम है वो भी प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं पता था, वो कम क्या है वो भी नहीं बताया कि कम क्या है, यानी वो इल्म भी प्रॉफिट मोहम्मद के पास नहीं था। अच्छा राज वाले नहीं जी, अब ये क्यों सवाल ये हुआ किया गया, इस्लाम पायलट ये सवाल ये किया गया, वयस अलूना का आने रूह, जी? यानी ये तुझसे पूछ रहे हैं रूह के बारे में। जी। उले रूह मिन अमरी रब्बी, तो उनसे कह दे कि रूह तो मेरे रब के हुक्म से है। वमा उती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और लेकिन उनको नहीं दिया गया जो जो भी इल्म मगर बहुत थोड़ा। अब सवाल यह है कि इस तरह की बात कहकर यहाँ तरखा दिया गया, तरखाया, तरखाना, इसलिए इसको तरखा तो तरखाना दिया, कहते हैं तो जी। ठीक है आप यही बता देते कि आपके पास जो कम इल्म है, क्या आपके पास उतना भी नहीं, आप वो बता देते, या उनसे ज्यादा नहीं बता सकते, बल्कि बताना तो मैं ज्यादा चाहिए था, लेकिन इतना भाई भी नहीं बता सके कि रूह है क्या, मेरे विकल्प लोगों को एकदम कम काम इल्म दिया कौन गया तो जो है, अच्छा देखिए सवाल यही पैदा होता है ना, लोगों को कम इल्म दिया गया तो क्या साहिबे कुरान वो कम इल्म दिए जाने वो उनके जुमरे में आते हैं जिनको इल्म है? कम दिया गया। नहीं, उन्होंने नहीं अगर बताया, उनसे उन्होंने ज्यादा है कुछ तो नहीं उनको बताया, उनको उनको डिस्क्राइब करना चाहिए ना कि जो है रूह बिल्कुल क्या है। बिल्कुल कोरा कोरा, एकदम कोरा, कुछ हाँ मालूम नहीं। अच्छा राज साहब, ये आपको फरमाइश क्यों आई है कि आप स्टोन पायलट की मिमिक्री करें, आपको आती है? नहीं सर, मुझे नहीं आती, आप बहुत से लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं, मैंने सुन देखा है। नहीं उसका रीजन है सर। देखिए, दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द डीपेस्ट दैट आई कैन गेट माय वॉइस टू बी द बेसिएस्ट, बट आपकी जो बेस है, आप वॉइस में जो है ना, बात करने का जो स्टाइल है, बेस है, सारी सारी चीजें हैं, वो इतनी जबरदस्त आती है कि लगता है समबडी इज टॉकिंग थ्रू अ सैंड पेपर, यू अंडरस्टैंड? लेकिन बात सुने, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आवाज तो डीप बेस ठीक है, लेकिन ये जो आपने बीच में पंजाबी का टच दिया है, मेरा उतना पंजाबी का टच नहीं है वैसे, मैं हाइड करने की कोशिश बहुत करता हूँ। जी अच्छा हाइड क्यों करते सच वाला जी, हैं
आप पता ही नहीं क्या नहीं, चीज है। कभी कभी तो मैं जानबूझ के करता हूँ कि मैं आई एम प्राउड ऑफ बीइंग पंजाबी, सो डजंट मैटर, मैं जानबूझ के अल्फाज भी कभी कभी बोलता हूँ, अच्छा, इतना लेकिन सर इसमें इतना बेस जब कहाँ हम से लाते हैं आप सर, ये बताइए सुनिए इतना सुनिए, जब हम अंग्रेजी के अल्फाज बोल सकते हैं तो मैं अपनी पंजाबी का क्यों नहीं अल्फाज बोल सकता। बिल्कुल बोल सकते हैं सर, सही बी बात, प्राउड। आप प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सो आपकी आई एम मदर नॉट टंग। अशेम्ड ऑफ माई पंजाबी एक्सेंट और पंजाबी वर्ड्स, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, लेकिन आई या डोंट श्योर माइंड सर, रियली, इट इज अ टैलेंट, अगर आप कर सकते हैं इट इज अ टैलेंट, अगर आप अच्छी नीयत से करते हैं तो इट्स ओके, अगर आप किसी आदमी नहीं, का मैं हर बार मैं सर जब भी मैंने ये कोशिश की है ना, तो लोगों को हंसाने के लिए मैं करता इट्स ओके okay. नहीं, अगर आप हूँ या हंसाने के लिए करते हैं तो, अगर इंसल्ट करने के लिए दैट इज बैड। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। और मैं इसीलिए पूछता हूँ सर कि इतनी बेसी वॉइस है सर हाँ आपकी ना, इट इज इम्पॉसिबल टू मिमिक, ये गॉड गिफ्टेड रहती है। ये तो है हाँ, ये मिमिक नहीं हो जी। जनाब सकता सर। आमिर साहब क्या फरमा रहे थे आप, बोलिए। मैं कह रहा हूँ रूह की तारीफ आप ही बता दीजिए। अरे हमें क्या पता है भाई, हम तो जानना चाह जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आप मानने मेरा वाले हैं, आप सवाल बताइए जी रूह क्या है। यह है कि इंसान के अंदर रूह होती है कि नहीं। अभी हमें हमें नहीं मालूम ना, अभी होती नहीं होती, ये आप मानते हैं तो आप इसको डिस्क्राइब आप ही को करना है ना, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है, हम तो जानना चाहते हैं, बताइए। तो जिंदा और मुर्दा कैसे होता है? तो मेरे भाई देखिए, फिर आप रूह को कहाँ से ला रहे हो भाई, रूह को जो है डिस्क्राइब करने का काम आपका, आपकी जिम्मेदारी है ना। नहीं, आपको स्टॉम्प भी पायलट सर, जिम्मेदारी, आप एक्सपर्ट हैं। एक मिनट रुकिए ना, नहीं, हमें स्टॉम्प पता पायलट नहीं सर कुछ। से आप बात करें जी। स्टॉम्प पायलट साहब, आप इनको बताएं ना, जिंदा मुर्दा कैसे होता है, आप प्लीज, मैं चाहता हूँ आप इनको एक्सप्लेन करें। भाई जिंदा इंसान को पहले इनको तो साइंस सीखना पड़ेगी ना, कि साइंस में क्या लिखा हुआ है, जिंदा चीज क्या होती है, लाइफ क्या होती है। अगर इनको उसकी समझ नहीं तो इनको कैसे समझाएंगे कि जो अगर आपके जो सेल्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके जो प्रोटीन इन एंड आउट, जो ऑक्सीजन जो आना है, वो सब कुछ अगर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, उनके अपने साथ जो कनेक्टिविटी है और जो पूरा सिस्टम है हमारा, इसमें कई सिस्टम्स है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो दे कम टुगेदर एंड देन फिर आप उस चीज को अलाइव बोलते हो। अगर वही परफॉर्म करना छोड़ देंगे तो वो चीज डेड हो जाएगी हमारी जबान में, और फिर आम में हम उसको डेड कहते हैं। तो दैट्स इट, आप उसमें एक और चीज का इजाफा करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर एक रूह भी होती है। अगर आप क्लेम करते हैं कि रूह होती है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो रूह कहाँ पे होती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो रूह नहीं होती है। ओके, कॉन्शियसनेस को आप रू नहीं कह सकते, इसलिए कि जब आप किसी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो आपको बेहोश कर दिया जाता है वक्ती तौर पे, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या होते हैं, आप ये बताइए पहले, बल्कि वो रू यहाँ पर कहाँ चली हमारे जाती है? इस्लाम पायलट जी, इस्लाम पायलट जी, ये जिंदगी और मौत के बारे में शायर ने कितना कितना खूब क्या खूब कहा है। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरतीब, जिंदगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। बिल्कुल वाह साइंटिफिक क्या चीज बात है, है। ये साइंटिफिक चीज है जो उन्होंने अब आप शायराना देखिए कि अंदाज में इन्होंने, बताया। जिस शायर ने इस शेर को कहा है वो असल में नबी कहलवाए जाने का मुस्तहक है। उसने कितने खास, कितने जो है सादा लफ्जों में इतनी बड़ी हकीकत को जो है, जैसा कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अगर सच वाला जी इस तरह की बातें कुरान में भी होती ना, तो 1400 साल पहले तो लोग कहते अरे हैं, भाई, वो वाह जी, कुरान में आपको कोई एक भी बात ऐसी नहीं मिलती, मैं ये तो कहना चाह रहा क्यों? हूँ, पूरा कुरान खाली हाँ, पड़ा है, पूरा क्योंकि वो एक कुरान खाली ऐसी पड़ा चीज होती, ऐसी चीज है। होती कि जिसका कोई आज भी इनकार ना कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कुरान में आपको कोई ऐसी बात मिलती नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि एक शायर ने ये बात कही दी। जिंदगी क्या है, अनासिर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब अगर हो सकता है इसमें उर्दू के अल्फाज हैं तो मैं थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा थोड़ा वाजे कर देता हूँ हाँ, ऑडियंस के लिए प्लीज या सर। ऑडियंस के लिए। जिंदगी क्या है यानी जो मतलब लाइफ क्या है, उससे जब पूछा गया तो वो उसका जवाब दे रहा है, अनासिर में जहूरे तरतीब, यानी अनासिर कहते हैं एलिमेंट्स को और तरतीब कहते हैं सीक्वेंस को, और ये जहूर कहते हैं अपने मतलब उसका जाहिर होना, खुलना या जो है अपियर होना, यानी ये जो जितने एलिमेंट्स हैं किसी बॉडी में, वो जब सीक्वेंस में हर चीज अपना काम कर रहे हैं,
उनकी अपनी फंक्शनिंग हो रही है, तो इसी का नाम जिंदगी है। अच्छा फिर मौत क्या है? मौत यह है कि इन्हीं जो ये यही जो एलिमेंट्स हैं वो बिखर गए, वो बिखर गए। ये जब बिखर गए तो जो है यही मौत है। अब वो सीक्वेंस बाकी नहीं रहा, एक वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जब मिलकर जुड़कर एक सिस्टम और निजाम बनाते हैं, एक उसमें तरतीब होती है, तरकीब होती है, तो वो एक एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एग्जैक्टली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब ये डिस्पर्स हो जाते हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं रहते फॉर डिफरेंट रीजंस, किसी भी, या फेलियर्स आ जाते हैं उसमें, तो दैट्स इट, वो पूरे उसी वापस जमीन में वो एलिमेंट्स चले जाते हैं। तो अब इनको ये लगता है कि इंसान को मरने के बाद जिंदा हो जाएगा, मरता है तो रूह कहाँ चली जाती है। हालांकि बेसिक जो रूह है, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, आप जानते हैं कि रूह जो है ये यहूदी का, इब्रानी में भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया एग्जैक्टली जाता एग्जैक्टली है। एग्जैक्ट अच्छा, बिल्कुल रूह बिल्कुल वो क्या कहते हैं? वो ये जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रेथ होती है हमारी, सांस लेते हैं, ये भी जी मुशाहदा है कि जब इंसान मर जाता है तो वो सांस लेना छोड़ देता है, जी जी और ये जो सांस है ये खत्म हो जाती है, तो उनका ये कहीं चली जाती है, इट गो समवेयर। जी अब आप समझ रहे, क्योंकि अभी उन्हें ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, लंग्स का फंक्शन, और ये सारे इंटरनल ऑर्गन किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, हद तक कि उन्हें तो ब्रेन का भी नहीं पता था कि ब्रेन का फंक्शन क्या है। ओके, वो ये जी समझते थे कि दिल ही सब चीज का जो है वो मरकज है, जी चूंकि दिल जी जो है वो खून पंप करता है, तो अगर जी दिल काम नहीं करेगा तो बॉडी खत्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल जी लेकिन वो जो जो सांस आदमी लेना छोड़ देता है उनके सामने, तो उसको वो कहते हैं कि इसकी रूह, इसकी सांस चली गई, नो मोर, यू जी अंडरस्टैंड। सो जी इसी इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। कुरान तो कह रहा है कि वो, कुछ लोगों को इल्म है, ये तो ऐसे जी ब्लफ मारी गई है ना कि बहुत कम लोग जानते हैं, नो बडी नोज जी अबाउट इट एनीथिंग, बट एग्जैक्ट प्रॉफिट अस्यूम के जी लोगों को ही न्यू दैट, कि लोग उससे ज्यादा जानते हैं, जो पहले से ये चला आ रहा है, यहूदी और दूसरे लोग ये जानते हैं, लेकिन प्रॉफिट को तो वो भी इल्म नहीं था कि वो क्या है। रूह के बारे में उन्होंने कुछ एलिमेंट्री चीज भी नहीं बताई, बिल्कुल एकदम बल्कि आप ये कह पूरे। सकते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं इस्लाम पायलट जी, कि रूह और उससे जुड़ा हुआ तसव्वुर, ये दोनों भी गैर इल्मी हैं, अनसाइंटिफिक है। रूह और रूह के बारे में जितनी बातें कही गई हैं वो सारी के सारी जो है गैर इल्मी बातें हैं, बिल्कुल, अनसाइंटिफिक है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। यही हम कहना चाह रहे हैं जी। एग्जैक्ट जी मैं तो बात बताऊं जी, जनाब बोलिए, फरमाइए, बताऊं बताइए भाई बताइए। बात तो ये है कि भाई साहब ने कहा कि इसको समझने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, साइंस जानना पड़ेगा। तो मेरा अरे सर, सवाल, नहीं, साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा सर, बिना साइंस पढ़े भी जान सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप जिधर लेके निकल रहे हैं ना, आप फिर बोलेंगे तो नहीं इसको समझने के लिए अरबी पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा। सुनिए, मैं इसीलिए रोक देता हूँ, आप जो वही कहना बात, चाह रहे हैं वो उस मीनिंग में नहीं कह रहे हैं, वो इस मीनिंग में बिल्कुल कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जान मरना जीना क्या होता है। तो मैंने स्टॉर्म पायलट साहब को कहा कि आप इनको समझाइए, उन्होंने बहुत क्लियरली आपको समझाया कि जब शरीर के सिस्टम्स एक साथ काम करना बंद कर देते हैं उसको मौत कहते हैं, जब तक सिस्टम चल रहे हैं उसको जिंदा कहते हैं, अगर एक लाइन में समझें। अब आगे बोलिए। हाँ वो बात चलिए, वो बात हुई। दूसरी बात ये है, जो वमा ओती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला जो है ना, ये रूह से मुताल्लिक नहीं है। इसका मतलब यह है जो कुरान में कहा गया कि रूह मेरे रब का एक हुक्म है, बस यहाँ बात पूरी हो गई। और क्या वमा हुई ओती उससे, तुम सही मिनल इल्ला कलीला, बात हुई, क्या हुई, क्या इसका बात हुई? मतलब यह है, बोलने दीजिए फिर बोलेंगे आप, कि तुमको बहुत कम इल्म दिया गया, यानी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी तुमको नहीं है, अच्छा, उनमें से एक रूह प्रॉफिट भी को है। इसका जानकारी है, प्रॉफिट को जानकारी है। मतलब नहीं है कि तुम में से कुछ लोगों को इल्म दिया गया रूह के अच्छा बारे सुनिए में। सुनिए मेरे भाई, सुनिए। अच्छा जी है, अच्छा जानकारी प्रॉफिट को है, प्रॉफिट को जानकारी है? नहीं, नहीं है, नहीं है। इसीलिए अच्छा मेरे भाई, मैं सवाल जो कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपने ये कहा वमा उती तुम मिन अल इल्म मैं इल्ला बोल रहा कलीला, हूँ, फिर यानी आप लोगों को बोलेंगे बहुत तो कम इल्म दिया गया। मैं सवाल करूँ ना मेरे भाई, मैं सवाल पहले पहले जवाब तो सुन लीजिए, फिर सवाल कीजिएगा ना तो अच्छा होगा।
वो जो बाद में जो बात कहेंगे कि तुम में से तुमको इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत कम, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम लोग जानते हैं, किसी को रूह के बारे में इल्म नहीं दिया गया, तो फिर उसका ऐसा क्यों मतलब कहा गया, नहीं है कि वमा उतितु तुमको, मिनल इल्म इल्ला कलीला, क्यों कहा गया? बता रहा हूँ भाई, उसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजों का इल्म तुमको नहीं दिया गया जिनमें से एक रूह भी है, ये बात है। अच्छा, इसमें हाँ ऐसी बात कही गई है? अरे भाई, वयसअलूनक अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा जैसे उतितु मिनल इल्म इल्ला कलीला, एक ही आयत में दो बार रूह को दोहरा कर हाँ, बात कही जा रही है। आप कह रहे हैं कि जो है ये वमा बहुत उतितु मिनल इल्म इल्ला सारी कलीला चीजें एक अलग बात है। अरे एक ही आयत में है बात भाई, और इस का आ मतलब और यह है कि इस बहुत बात को सारी ये आयत बोल चीजें रही है? आप अपने एक मिनट, अरे आप यार, अपनी तरफ से मतलब क्यों डाल रहे हैं? इसका मतलब ये, इसका मतलब कलाम का रब्त देखिए आप। जब सवाल किया गया रूह अपनी के तरफ बारे से में, सर ये रूह के बहुत बारे में चीज़ बात डालते हुई, हैं दो मरा स्टंप पायलट सलीम सर, ना अपनी तो तरफ से मुरब्बा है। ये जी, अभी अपनी तरफ से ये हमें समझा गए कि अभी ये कह रहे थे, वापस मैं इन्हीं के टॉपिक पे आता हूँ। इन्होंने बात शुरुआत की थी किस चीज़ से, अभी ये कहने सबसे पहले इन्होंने कहा था कि भाई जो एक लाख चौबीस हज़ार नबी हैं, एक मिनट सर रुक जाइए ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो थोड़ा तो सुन लीजिए, मैं स्टॉम पायलट सर को बता रहा हूँ। तो ये जब ज्वाइन करे थे इन्होंने, तो इन्होंने सबसे पहली बात बोली थी कि 1,24,000 नबी आए हैं और उनमें से कुछ मॉडरेट मुस्लिम्स या कुछ ऐसे मौलाना इमाम हैं जो कहते हैं कि उसमें से राम भी हो सकते हैं, कृष्णा भी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते, आपको क्या तकलीफ़ है? तो मैंने उनको क्लियर कट जवाब दिया था कि उनसे मैंने पूछा नबी कौन होते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो पैगाम लेके आते हैं, मैसेंजर। तो मैंने कहा हिंदुइज्म में मैसेंजर नहीं होता सर, वो भगवान का जो अवतार है वो खुद आ जाता है, मतलब गॉड ही आ जाता है नीचे। तो अब समझ में आया नबी क्यों नहीं हो सकते? तो इन्होंने कहा जी अब समझ में आ गया। उसके बाद से तब से यही बना रहे हैं, और उनके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा तो हिंदू मानते हैं ना। तो मैंने कहा कि सर हिंदू क्या मानते हैं, तो हिंदू से पूछोगे ना आप? तो उन्होंने कहा नहीं 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 वो ऐसा वो मानते हैं। तो वो हिंदुइज्म को भी समझाएंगे कि हिंदुइज्म क्या होता है, तो अब असल में इसी से सच अंदाजा वाला जी, लगा लीजिए। जी जी जनाब सच वाला जी, बोलिए। हमको नहीं अल्लाह समझा, अल्लाह और भगवान को ये जोड़ते हैं, रिलीजन और धर्म को ये एक साथ जोड़ते हैं, और आत्मा और रूह को एक साथ जोड़ते हैं, जबकि ये दोनों भी कल्चर और जबानों में ये पूरे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है। फतवा तो बिल्कुल। निकाल दिया ना सर, और बल्कि अगर जो है राम नबी स्वर्ग और हैं। नर्क का जो है जन्नत और जहन्नम से जो है जो जो मिलाते हैं, ये भी सिमिलैरिटी या इसमें नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। अब जो जो है इसकी जानकारी रखता है, क्या बताइए कि जिसे स्वर्ग कहा जाता है क्या वो एग्जैक्टली जन्नत है? जन्नत है मेरे ख्याल से पॉइंट सर इनका आ गया है काफ़ी, अब जी। सुभाष सर भी हैं काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए सर मेरे चलिए ख्याल आमिर से। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ बहुत लाए, शुक्रिया आप आप आए। आगे भी आते रहिए, ठीक है हमको